सुनना है मुझे तो ढूंढ लेना, मैं बहुत साधारण इंसान हूँ, नफरत से नहीं विनम्रता से बात करूंगा, प्रेम से बात करूंगा, तुम ढूंढ लेना मुझे। मैं सबसे पहले बता दूं आप लोगों को, आज करीब 3 साल हो गया सर, 3 साल से मैं बाहर हूँ। शायद उस दिन मुझे नहीं पता था उस दिन देश में क्या घटना घटी थी, नोटबंदी, ऐसी जनता के साथ धोखा किया गया नोटबंदी जिसकी कल्पना की जानी बहुत 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 जितना निंदा की जाए कम है। उस दिन मुझे नहीं पता था घर में ऐसी घटनाएं घटी, मैं घर से बाहर निकल गया, मुझे नहीं पता था। बाद में पता चला ट्रेन में जब मैं सफर कर रहा था तो मुझे पता चला कि देश में कुछ ऐसी घटना घटी हो, तो हमारे पास कुछ खुजले नोट थे जो काम आ गए। मैंने मुंबई में रहा, दिल्ली में भी कुछ दिन रहा, अब मैं हरियाणा फरीदाबाद में रहता हूँ, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये सरकार कर रही, वक्त ने मजबूर कर दिया, अब बोलना पड़ेगा और मिलकर बोलना पड़ेगा और सबको उठना पड़ेगा, और ऐसे नहीं उठना पड़ेगा, इनको तमाचा मारना होगा, सीधा गाल पे तमाचा मारना होगा। इसने एक ऐसे इंसान का इतना अपमान किया है, किसी इंसान का जिसकी निंदा की जानी भी कम है। आप प्रधानमंत्री हैं और एक पप्पू है, आज बताता हूँ किसको आप किस तरह से निंदा करते हैं, आप सुनिए। आज उसके बाद मैं एनआरसी पे बात करूंगा, जिस तरह से 19 लाख लोगों को किस तरह से रहम नहीं है इस सरकार पे, इस सरकार के अंदर में रहम नहीं है, थोड़ी सी भी रहम नाम की कोई चीज नहीं रह गई इस सरकार के अंदर में। राहुल गांधी सुन ले मोदी और सुन ले अमित शाह, राहुल गांधी, राहुल गांधी वो है जो विदेशों में खेला कूदा और बढ़ा, मगर घमंड नहीं चेहरे में, रही सी में पला बड़ा, दिखावा नहीं कोई लहजे में, किसी चीज की कमी नहीं, ये खानदानी रही सी है। अरे तुम एक फकीर होकर तुम राजा की तरह करते हो, और ये एक गरीब एक रईस घर के होकर गरीब की तरह करते, तो मुझे बताओ गरीब अच्छा कि रईस अच्छा, मुझे बताओ भाइयों, गरीब अच्छा कि रही सच्चा। अगर तुम गरीब घर से आते तो आते के साथ 10 लाख का सूट नहीं पहनते, और वो खानदानी रही सी है, एक सफेद कुर्ते में जी रहा है, चलता है, भटकता है, लोग पप्पू कहते हैं, निंदा करते, ना जाने क्या कह नहीं कह रहे उस इंसान को। उस इंसान का अगर आंसू अगर हंसी से नहीं दिखता है तो मैं आज बता देता हूँ, कभी नहीं आंखें चेहरे किसी पर रिंजी है, बिना संस्कार के भी हर लोगों का सुनते हैं, क्योंकि इनकी माँ विदेशी है, मगर फिर भी जीत नहीं कहीं, अपनी गलती पल भर में स्वीकार कर लेते हैं, अपनी गलती पल भर में स्वीकार कर लेते हैं। लोग मनाते इनको, कहते कोई गलती नहीं, मगर ये अक्सर पद गरिमा का मान करते, सत्ता का कोई लोभ नहीं, इसलिए ये स्वभाव है इनका, सादगी चेहरे से उससे ज्यादा प्यारा लिबाज है इनका, इतना अपमान किया है लोगों ने इनका, देश दुनिया छोड़ा भी नहीं, एक छोटे से बच्चे तिनकर ने, आप ही देखो ना, वो छप्पन का सीना रखते हैं और हर बात पे रोते, ये इंसान घर का तारा, राजाओं के बेटों के जैसा राज दुलारा, हर अपमान को सहता गया मगर कभी नहीं किसी पे क्रोध दिखाया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।